हाय एवरीवन क्या आपका भी कभी कभी मन काफ़ी स्पाइसी और मैगी नूडल जैसा स्ट्रीट फूड जैसा कुछ खाने का मन करता है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए ये है मैगी का स्पाइसी चीज़ फ्लेवर जो कि ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का मुझे वी मार्ट में मिला है और ये देखिए इस तरीके का एकदम रेड वाली जो है मैगी दिखाई दे रही है तो मैं इसे लेके आई थी पहली बार मैंने सोचा ट्राई किया जाए तो इसके लिए सबसे पहले ढाई सौ के बराबर पानी मैंने गर्म कर लिया है साथ में यहाँ पर थोड़ा सा एक पेन जितना नमक डाला है जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है क्योंकि मुझे हमेशा ये मार्केट वाली जो मैगी होती है इसमें नमक कम लगता है तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है और कुछ भी नहीं डालना है ये मैगी नूडल डाल देंगे साथ में इसका टेस्ट मेकर डालेंगे जो कि काफ़ी बड़ा था और एकदम रेड था इसका मसाला तो इसे खोलकर मैंने यहाँ पे डाल दिया है गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और जैसे भी हम मैगी कुक करते हैं उसी तरीके से कर लेंगे तो यहाँ पे इस पर लिखा तो तीन मिनट है पर इसे कुक होने में पाँच से छः मिनट का टाइम लगा है जैसे कि रेगुलर मैगी को लगता है बस इसके बाद थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होने तक मैंने इसे कुक किया है काफ़ी चीज़ी फ्लेवर था इसका मतलब कि खुशबू थी पूरे घर में इतनी बढ़िया चीज़ की खुशबू आ रही थी जैसे कि हम पिज़्ज़ा लेने जाते हैं तो पिज़्ज़ा वाली शॉप पे जो नहीं खुशबू होती है एकदम चीजी चीजी उस तरीके की खुशबू आ रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे टेस्ट करने के लिए मैंने बढ़िया तरीके से इसे पका लिया है लो मीडियम फ्लेम पे पाँच से छः मिनट तक इसके बाद जब ये हल्की सी ड्राई हो गई क्योंकि मुझे ड्राई मैगी पसंद है यदि आपको सूपी पसंद है तो आप रख सकते हैं इस स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और दो मिनट ठंडा होने के बाद मैंने इसे सर्व किया फिर मैंने किया इसे टेस्ट तो टेस्ट की बात की जाए तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा चीजी जैसा लग रहा था खुशबू काफ़ी चीज़ की आ रही थी और ये बहुत 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 ज़्यादा स्पाइसी है मैं बहुत ही सिंपल खाना जो है पसंद करती हूँ मिर्च मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कभी कभी मन करता है स्पाइसी खाने का तब भी मैं इतना स्पाइसी नहीं खा पाती हूँ तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है खाने के आधे घंटे बाद तक आपको फील होता रहेगा कि आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी कुछ खाया है हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है इतना स्पाइसी फूड यदि आपका कभी सभी मन कर रहा है स्ट्रीट फूड बाहर का खाने का तो आप ये ला सकते हैं खा सकते हैं